हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गुरप्रीत सिंह फ्रॉम वीजा गुड स्टडी ब्रॉड सेक्टर 17 चंडीगढ़। कनाडा वीजा प्रोसेसिंग काफी फास्ट हो रही है, उस पर बात करेंगे। जो स्पाउस वीजा का ट्रेंड चल रहा है, पीआर वालों के वीजा आ रहे हैं, हमारे एक वीक में 6 पीपीआर आए हैं, जो बहुत ही आज तक का कह रहे हैं यूनिक एक सक्सेस रेट है, क्योंकि इतनी पीपीआर किसी की भी नहीं आ रही थी, लेकिन अब पीपीआर ऑलमोस्ट सभी एजेंट्स की आ रहे हैं जो एसडीएस केस जो हैंडल कर रहे हैं। तो काफी कॉल्स आती है मेन टेक वालों के लिए कि सर मेन टेक का रिजल्ट बताएं, सितंबर का बताएं। तो जो स्टूडेंट्स जनवरी में रिफ्यूज हो चुके थे एसडीएस केस, जैसे हमने देखा काफी फ्रेश फाइल्स के वीजा रिफ्यूज हुए हैं, वो मेन टेक में अपना वीजा ले रहे हैं, पीपीआर ले रहे हैं, क्योंकि काफी शॉर्ट इनटेक है में और इसका रिजल्ट भी काफी ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है। सितंबर इनटेक की अगर बात करें तो नेक्स्ट मंथ मार्च के फर्स्ट वीक में हम कह सकते हैं कि सितंबर इनटेक रिजल्ट्स जो स्टार्ट हो सकते हैं। इसके साथ एक गुड न्यूज और भी मिल सकती है स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स के 5.5-in-1 मॉड्यूल है या जिनकी पीटीई की हुई है, उनके रिजल्ट्स भी मार्च फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकते हैं। तो काफी ज्यादा एक गुड न्यूज उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जो काफी टाइम से नॉन एसडीएस की वेट कर रहे हैं। तो इसके साथ ही स्पाउस वीजा प्रोसेसिंग की बात करेंगे स्टूडेंट्स। जब से कोविड आया है तब से देखा गया है कि स्पाउस वीजा बहुत ज्यादा कम जो इशू हुआ है आईआरसीसी की तरफ से, लेकिन अब लास्ट वीक से स्पाउस वीजा बल्क में आ रहा है। मतलब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 1 मंथ या 2 मंथ पहले अपना वीजा अप्लाई किया था, उनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, और जो 2020 वाले रिजल्ट्स हैं काफी साल 2 साल पुराने हो चुके हैं, उनके रिजल्ट्स काफी ज्यादा प्रोसेसिंग फास्ट हुई है, काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी स्पाउस वीजा की जो सक्सेस रेट अच्छा जा रहा है, पॉजिटिव है, रिफ्यूजल बहुत ज्यादा कम है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल मई तक काफी रिजल्ट्स जो स्पाउस के जो क्लियर हो जाएंगे, मतलब नियर अबाउट 90-95% स्पाउस का जो बैकलॉग है वो क्लियर हो सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स FSW जो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है, जो पीआर वाले केसेस हैं, क्योंकि अब तक यही कहा जा रहा था कि अप्रैल तक रिजल्ट्स आएंगे, उनके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए हैं स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स आप चार्ट दे सकते हो, जैसे 800 जो एप्लीकेशन है वो अब क्लियर हो रही है हर वीक। पहले क्या था कि 150 एप्लीकेशन ही क्लियर करते थे, मतलब पीआर वालों की प्रोसेसिंग में भी फास्ट और तेजी आई है, तो बहुत ही अच्छा। इसके साथ हम किस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जो पीएनपी का ड्रॉ है वो बहुत जल्दी कंडक्ट हो सकता है, इसके काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन पॉसिबिलिटीज हैं। आने वाला टाइम कनाडा हिस्ट्री में वीजा पीपीआर में काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की जैसे ऑस्ट्रेलिया ने वीजा स्टार्ट किया, लेकिन एक चीज है फ्रेंड्स कि ऑस्ट्रेलिया वीजा बहुत ज्यादा अप्लाई हो रहा है, बहुत एजेंट इसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई यही है कि ऑस्ट्रेलिया का वीजा बहुत कम आ रहा है, मतलब ना के बराबर आ रहा है। देखने वाली बात है कि 21 फरवरी के बाद क्या ट्रेंड रहने वाला है, लेकिन आज की डेट में जो रियल ट्रूथ है, ऑस्ट्रेलिया का वीजा बिल्कुल नहीं आ रहा, जब बहुत ज्यादा कम आ रहा है। अगर किसी का ऑस्ट्रेलिया का वीजा आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसका एक स्टूडेंट्स जरूर फायदा हुआ, बेनिफिट मिला कि कनाडा वीजा प्रोसेसिंग जरूर फास्ट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील जरूर हुई है कनाडा को जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने वीजा अपना स्टार्ट किया। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, अदरवाइज कोई भी कंसर्न है किसी भी तरह का तो आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन करो। ट्राई किया करेंगे ऐसे ही के काफी कॉल्स आती हैं अदर स्टेट से कि सर आप हिंदी में वीडियो बनाएं, और ट्राई यही करेंगे कि नेक्स्ट टाइम एक वीडियो पंजाबी में जो पोस्ट की जाए और एक हिंदी में की जाए, ताकि सभी जो एप्लीकेंट्स हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको अंडरस्टैंड हो सके कि क्या ट्रेंड है वीजा प्रोसेसिंग का। फ्रेंड्स इतना टाइम देने के लिए फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट, थैंक यू, धन्यवाद।